Namaste. My name is Dana. I am Mexican. I married with him yesterday. When we started our relation 3 years ago, I came on 2017 to meet him first time. After that, we did the engagement on December 3, and I returned to Mexico after that. I spent 2 years in Mexico. After we returned to India on February 11, we applied the Special Marriage Act, but by the lockdown, we couldn't marry on after the month happened on March 18. So we had the opportunity that the deputy commissioner could help us to do our marriage possible yesterday, and we are together now. All in family. So happy. I'm so happy by that. So excited. My family is also very happy in Mexico. 2017. ये personally मैं से मिलने आई मेरे birthday पे. हमारी कहानी शुरू हुई एक language learning app से. मैं Spanish सीखता था अपने course के लिए. और कोरस्पेंडिंग ये इंग्लिश सीखती थी, तो हमारी दोस्ती बढ़ने लगी, हमारे बीच फ्रेंडशिप होने लगी, फाउंडेशन बढ़ने लगी. तो इन्होंने डिसाइड किया कि चलो क्यों ना इंडिया चलते हैं घूमने के लिए, कल्चर देखने के लिए. अब मैंने फैमिली को बता ही दिया था कि वो आ रहे हैं यहाँ पे, तो उन्होंने तैयारी स्टार्ट कर दी अपनी. और फिर ये जैसे ही घर पे आए, इनका अच्छे से वेलकम हुआ, इन्हें अच्छा लगा, यहाँ की संस्कृति बहुत पसंद आई इनको. और ऐसे चलते हुए फिर इनकी मम्मी, इनके पापा से बात हुई, और मेरे पापा के भी पापा मम्मी और परिवार से बात हुई, तो हमने सगाई करने के लिए फैसला किया, और हमारी 4 दिसंबर को सगाई हो गई. उसके बाद इनको जाना था तो ये चले गए. तो बातचीत आगे बढ़ने लगी, हम उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानने लगे. इनको हमारी फैमिली में इंटरेस्ट था जानने के लिए, तो हमने पूरा अपना सहयोग दिया. तो इसी के चलते हुए हमने शादी का फैसला लिया साथ में ही. तो मेरे डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो वो मैंने ठीक की. अब जाके यहाँ पे 11 फरवरी को वापिस इधर आए हैं इंडिया में स्पेशल शादी करने के लिए. तो हमने 17 फरवरी को अप्लाई किया शादी के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट, जिसमें 30 दिन का नोटिस रहता है कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन है या कोई ऑब्जेक्शन है या नहीं. तो इसी के चलते 18 मार्च को हमारा 1 महीना पूरा होने वाला था, बट 19 मार्च से ही लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था, तो हम शादी नहीं कर पाए. तो अभी कल की बात है, हमने एप्लीकेशन स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू के लिए डीसी साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब को एप्लीकेशन दी कि प्लीज टेक सुटेबल एक्शन फॉर अस. तो उन्होंने अपना टाइम देते हुए हमें हमारी शादी करवाई. इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद डीसी साहब के लिए और सारे स्टाफ के लिए, सारे कार्यालय के मेंबर. जिस तरीके से शादी हुई लॉकडाउन का के चलते काफी दिक्कतें भी हुई. हाँ जी सर, हमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आई. इसे हुआ कि जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इन पे बहुत ज्यादा डाउट था कि वो ऐसे नहीं करते, वो ये नहीं करते, वो नहीं करते, बट टाइम के चलते चलते वो सारा डाउट इनका क्लियर हो गया है कि कैसे लोग सपोर्टिव हैं, सारे साथ देते हैं और एकजुट है सब. तो अभी इनकी जो फ्लाइट थी वो भी लॉकडाउन के चलते डिले हो गई. वो 24 इनकी फ्लाइट थी जो 24 अप्रैल को थी, तो लॉकडाउन के चलते हुए वो इन्होंने कैंसिल कर दी, और फिर उन्होंने 5 मई को अपनी फ्लाइट की है ताकि हम इसके दौरान हम सारी अपनी प्रोसेस पूरी कर सकें. तो अभी वापस जाने का कब का? इनका वापस जाने का 5 मई का इनकी फ्लाइट है एम्बेसी के थ्रू. तो इनकी कोशिश रहेगी कि मैं अपना काम कर लूँ पूरा और इनके साथ में मैं जा सकूँ. तो परिवार वाले खुश हैं इस फैसले से? जी, दोनों परिवार बहुत ही खुश हैं. इनके पापा भी कॉल करते हैं. एक्चुअली इनके पापा भी आने वाले थे मार्च में, 30 मार्च, बट लॉकडाउन के चलते हुए उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई एंड दे कुडंट कम. हाय, आई एम मीडियम, आई एम
mother of Dana, and we are all my family, and we are so happy because she could marry yesterday, and we are so thankful to all the person that helped us yesterday for get this marry in this lockdown. And in my home in Mexico, all my my family is also very happy, and we are support so much to her and to my new son in law. So happy. So happy. जी एडवोकेट साहब, परिचय दे। मैं अशोक मक्कर एडवोकेट, ये लड़का निरंजन कश्यप, एक लड़की डैना जोरी जो कि क्रिश्चियन है और मैक्सिको सिटी से बिलोंग करती है, लगभग 15 फरवरी को मेरे पास आए और दे वांट टू परफॉर्म मैरिज। लड़की क्रिश्चियन थी, इसलिए मैंने सोचा कि शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ से करवाई जाए। तो मैंने अपने जूनियर अंशु भुटियाणी एडवोकेट की मदद से वहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास इनकी शादी के लिए अप्लाई किया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने एक महीने का नोटिस अम्बेसी मैक्सिको सिटी कॉरपोरेशन तहसीलदार रोहतक व एसडीएम कार्यालय में भेजा, एनओसी के लिए नोटिस जारी किया। और लगभग एक महीने के बाद ये सभी ऑफिसों से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वापस आ गया, लेकिन इनकी शादी लॉकडाउन के चलते टाइम पे नहीं हो सकी। अब ये लड़की अपनी मदर के साथ 5 मई को स्पेशल फ्लाइट से मैक्सिको सिटी जाना चाहती थी, इसलिए मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को एक दरख्वास्त दी और उनसे गुजारिश की कि इनकी शादी परफॉर्म करवाई जाए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मेरे अनुरोध पे इनकी शादी कल शाम को 8 बजे परफॉर्म करवाई और सेम टाइम उन्होंने इनको मैरिज सर्टिफिकेट भी इशू कर दिया। दे बोथ आर वेरी हैप्पी एंड आई विश देम टू लिव ए हैप्पी मैरिड लाइफ।